विविध विषयान् प्राप्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् समधिविभान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि सरणि स्वात्मनि स्थापयित्वा हिमित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणान् पात्रशौ नस्तुरीयः. यहाँ भी लास्ट टाइम में देखिए कि यहाँ पे बोलते हैं असो तुय न पातु. लास्ट में देखिए पातु में विषय का है ना, पातु में विषय में नहीं है, पातु का है वहाँ पे. असो तुय न पातु, पातु का रक्षा पा रक्षण था हमें रक्षा करे, रक्षक भगवान को रक्षा करे, पवित्र करे, ऐसा कर दिया. तो अब जो है ये तुय कौन, वो जो चतुर्थ स्थिति शुद्ध चेतन तत्व वो हमें रक्षा करें, मतलब उस भाव में हमको स्थिर करें, हमने उनको प्रार्थना है. और उनको समझाने के लिए देखिए हम लोगों ने अच्छा पहले क्या था, अधर्म प्रक्रिया होती है, मतलब हमने क्या बोला, वो जो ब्रह्म व्यापक तत्व है वो अपनी चेतन, मतलब अपने चेतन तत्व के द्वारा सारा संसार को विस्तार किया. अब जब आपने अर्थारोप किया, अपने विस्तार किया, आप क्या करना पड़ेगा, उसको अपवाद करना, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब जिसको पहले आपने विस्तार किया उसको भी अपने में समेटना पड़ेगा. इसको मन में रखो, जो इसलिए कोई प्रसिद्ध जो यो विश्वात्मा, जो सृष्टि के पूरा अंदर आत्मा रूप में बैठा होता है, विधि जो विषयान प्राश्य, देख आप जो शास्त्र ने विधान किया अथवा शास्त्र कर्म करने का फल स्वरूप जो भोग हमारे लिए भगवान निर्धारण किया उसको खा करके प्राश्य, मतलब खा करके कौन कौन सा किया गया, ये विधि जो विषय स्विष्ठान भोगान, वो कैसा भोग कहते हैं, स्थूल भोग, स्थूल हो सविष्टान हो. फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बोला, हम जानते हैं कार्य कारण अभिन्न होते हैं, होते हैं कार्य कारण को छोड़कर भी कभी नहीं रह सकते, ठीक है ना. ये जो अपने प्रश्न था, ये स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ता है वो काल उसका ठीक नहीं है और समय देश उसका ठीक नहीं है, कोई संवादी प्रमाण नहीं मिलता, और जैसे हम किसी को सपने में देखा वो आके भी हमको सपोर्ट नहीं करता, मतलब तो जागृत में तो सीधे इसका विपरीत दिखाई पड़ता है. मतलब हम काल भी यथार्थ तो काल है और फिर लगता है हमको, और यथार्थ तो देश भी है और हमको सपोर्ट करने के लिए प्रत्यक्ष के साथ अनुमान भी प्रमाण भी हमको मिल जाता है, शास्त्र भी बोल देते हैं दिखाई पड़ता है. और फिर जो है हमने काल आपसे मिला था, अब बोले हाँ मिले थे, तो इस प्रकार के जागृतता स्वप्न में एकत्र कैसे हो सकते. परंतु एक चीज़ जरा सोचिए, शास्त्र बार बार कहते हैं कि जगत की मूल अधिष्ठान जो है वो अविकारी तत्व, उसमें किसी विकार होना संभव नहीं, ठीक है ना. और हमको क्या सारा विकारी वस्तु दिखाई दे रहा, सारा विकारी वस्तु दिखाई दे रहा, तो आप हमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जन्मांतरीय संस्कार से विकार वस्तु को देखने के लिए भगवान ने जो है परांशी खानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, परांशी खानी व्यक्ति ने समय बाहर बनाया और उसमें आसक्त बना दिया, फलत हमको वो अधिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा है. जब तक हमको रज्जु ना दिखाई दे तब तक हमको सर्व सत्य ही लगेगा, जब तक रज्जु ना दिखाई दे. परंतु जैसे रज्जु कभी भी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, कभी भी रज्जु को छोड़ करके नहीं रह सकता, कार्यकर्म अभिन्न नहीं. इसी प्रकार स्वप्न भी कभी भी जागृत को व्यभिचार नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं. आप स्वप्न में जो भी कुछ वस्तु आप देखते हैं वो आपका पहले जागृत का देखा हुआ,
स्वप्न में आप जो भी कुछ वस्तु देखते हैं, चाहे इस जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो, आप जो भी कुछ वस्तु देखते हैं वो जागृत का देखा हुआ हो, क्योंकि तभी तो मन में गया इंद्र के माध्यम से। अब मतलब है कि स्वप्न कभी भी जागृत को छोड़ करके नहीं रह सकता, इसलिए स्वप्न और जागृत एक ही कैटेगोरी का है। इस प्रकार घरा कभी मृत्तिका को छोड़ करके नहीं रह सकता, यानी कि घरा मृत्तिका मात्र ही है। ठीक इसका रिवर्स रूप में सोचिए, इस प्रकार जागृत और स्वप्न में भी एक ही जो बोल रहा है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पश्चात अन्ना, ये जो जागृत भोग हमने किया उस जागृत भोग के कारण जो संस्कार हमारे अंदर गया, उसके बाद में क्या होता है, उस संस्कार के आधार पर हम जगत को देखते हैं। यानी कि जागृत होकर स्वप्न के लिए कार्यकर्म अभिन्न है, दोनों एक ही वस्तु है। सामान्य वेदांतिक जो सिद्धांत, उसी सिद्धांत के आधार पर ही आप देखते हैं। दूसरी बात वो है, जब तक मूल कारण नहीं दिखाई पड़ता तब तक जागृत सत्य लगे, जब तक हमको रज्जु नहीं दिखाई पड़ता तब तक सर्प सत्य है। और कब रज्जु दिखाई देगा, जब हम माया निद्रा से जागे। धीरे धीरे ये दोनों रिलेटेड है, जैसे धीरे 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 मन भगवत मुखी होता रहेगा तब तक जागृत वस्तु से भी धीरे धीरे मन उठता रहेगा। अब जितना जितना जागृत वस्तु से मन उठता रहे, फिर जो सारा संसार भगवतमय दिखाई देगा। विद्या देखिए इसे बोलते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गभी हस्ती सुनी चुके सभा के चल पंडित समदर्श। अभी हम अपंडित हैं, हम भेददर्शी हैं, इसीलिए हमको लगता है कि जागृत स्वप्न एक कैसे हो सकते हैं, परंतु जब हमारे को अधिष्ठान तत्व को देखने का समझ में आ जाएगा तब अब जागृत स्वप्न में कोई भिन्नता नहीं, आप एक ही कैटेगोरी का होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक कल्पित मात्र था, निश्चय आप स्वयं करें कब, जब आपको अधिष्ठान तत्व दिखा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं पश्चात अज्ञान, और बाद में क्या होता है, स्वमति विभवान, अपनी बुद्धि के संस्कार से अभिव्यक्त हुआ भावन, सम्मति विभवान विभवान विशेष रूप में, विशेष रूप में ना भारतीय विभव और भव बना करके उसका द्वितीय वो वचन विभव भवन ना भवन वहाँ पे नहीं होता, भू धातु से सत्तायाम, और वो विशेष विशेष रूप में सत्ता रूप में जो दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, भीषण उद्भाषित है, मतलब सम्मति सम्मति विभवान अपने बुद्धि से उत्पन्न हो, उसके फलस्वरूप जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखते कैसे है, ज्योतिषा स्वयं सूक्ष्म, मतलब सारा ज्योति बंद कर दिया, प्रकाश बंद कर दिया, अपने ही स्वयं प्रकाश की जो सूक्ष्म ज्योति है उसी ज्योति के माध्यम से उस सूक्ष्म वस्तु को भोग करते हैं स्वप्न का। फिर क्या करते हैं, सर्वान एतान पुनरपि शनि स्थापयित्वा, इन सभी को मतलब जागृत काल के जो वस्तु देखा और फिर जागृत के संस्कार के कारण अंदर में संस्कार गया, इस सबको अपने में सर्वान एतान पुनर अभी शनि धीरे धीरे इकट्ठा नहीं होता, स्वात्मनि अपने में स्थापित, अपने में मतलब बीज रूप में आ गया, अपने अंदर का नाश कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, बीज रूप में अंदर चला गया सुषुप्ति अवस्था में, स्वात्मनि स्थापित, क्योंकि संस्कार रह जाता है, इसलिए जगते फिर शरीर के साथ हम तादात्म्य कर देते हैं, जगते फिर शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। हित्वा सर्वान विशेष, उस समय जो हम जितना विशेष हमारे ऊपर कल्पना किए थे, पहला विशेष क्या कल्पना किया हमारे ऊपर, मनुष्य हूँ, फिर उसके बाद मैं धार्मिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारा जितना हमने आरोप किया पहला ही पर गलत हो गया। कई व्यक्ति ऐसा पूछेंगे आपको, महाराज दिन भर धर्म आचरण करते हो फिर भी दुख नहीं मिलता, अब यदि आप उसको भूलेंगे तो हमारा पहला ही पर गलत हो, तुमने दिन भर धर्म आचरण करते हो क्या मान्यता देकर, मैं मनुष्य हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मान्यता देगा, और जब तक ये मान्यता रहेगा तब तक दुख नहीं मिल सकता। ये खूब मतलब सूक्ष्म वस्तु है, ये थोड़ा सा समझने में कठिन पड़ता है, ये कैसे होगा, परंतु धीरे धीरे आएगा वो एक अठन है, जिसमें तो शनि आत्मस्थापित सर्वान विशेषण हित्वा, समस्त विशेषता को आपको हित्वा, हित्वा मतलब त्याग कर, हाथ त्याग धातु है उसको समस्त विशेषता को, इसलिए बोलते हैं ये हमारी काम है, हित्वा मतलब त्याग कर, क्या त्याग कौन करेगा, विचार पूर्वक हमको सारा विशेषता को त्याग करना है, जितना विशेषता हमने आपके ऊपर, जितना गुण अथवा दोष आपके ऊपर हमने आरोप कर रखा, शरीर का अवलंबन लेकर के यहाँ तक शरीर तक की ताकत मत को छोड़ना, हित्वा सर्वान विशेषण, हमारे पास जितना किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण देखता है उसको अच्छा बोलता है, गुण ही मानते हैं, शास्त्र बिल्कुल उल्टा मानते हैं, कोई व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण हो उसको अच्छा मानते हैं और उसको मान्यता दे करके लोग व्यवहार में प्रसिद्ध भी होते हैं, छोड़ना मुश्किल पड़ता है, परंतु शास्त्र बोलता है जब तक ये विशेषता लेकर के रहोगे तब तक जब मुक्ति होना संभव नहीं,
क्योंकि मुक्त विशेष मुक्त हो जाए, इसीलिए बोलते हैं हित्वा सर्वान विशेषान, समस्त विशेष को छोड़कर के विगत गुण बना, जिसमें से समस्त गुण निकल गया। गुण मतलब गुण के साथ दोष भी, अथवा दोष बोलते दोष के साथ गुण भी, पुण्य पुण्य धर्म धर्म सब निकल गया। इस प्रकार जो सूर्य आत्मा है वो हमें रक्षा करेगा, रक्षा करे मतलब हमारे मन ऐसा शुभ मतलब विशेष भाव से शुभ करके सामान्य भाव में आने के लिए वो हमको आशीर्वाद करें, कृपा करें, तो हम उसको धारण कर सके। इस बात में आत्मसुख नस्तूरी स्थिति हम लोगों को रख सकें। तो पहले और इसमें लगता है लगभग एक ही प्रकार, किंतु पहले आधारोप किया था, विस्तार दिखाया था, अब क्या है उसको विद्रोह में भी आत्मा गुणातीत हो जाता है। जब ज्ञान जब तक नहीं है तब तक तो वो एक अज्ञान की पर्दा रहता है। आत्मा सर्वदा गुणातीत है, सुषुप्ति जागृत स्वप्न हर समझ में आत्मा गुण से रहती है, परंतु हम शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के गुण को वहाँ पे जागृत और स्वप्न में आरोप करते हैं, सुषुप्ति में आरोप नहीं कर पा रहे। क्योंकि आरोप जिसके द्वारा करते हैं बुद्धि के द्वारा अहंकार के द्वारा, वो उस समय काम नहीं करता। बिल्कुल आत्मा जागृत अवस्था में भी जैसा है, सुषुप्ति में भी वैसा है, मुक्त अवस्था में भी वैसे है। किसी के आत्मा में ना बंधन है ना मुक्ति है, परंतु बंधन और मुक्ति बुद्धि के खेल। इसलिए जो है ना कि जो जो सांख्य दर्शन में जो बोलते हैं प्रकृति पुरुष को बांधता है, प्रकृति पुरुष को मुक्त करता है। हम लोग बोलते हैं कि जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है, परंतु ये बात है, ये जो प्रकृति ये विकार बुद्धि है वही हमको बंधन में डाला, और वही बुद्धि निश्चय के द्वारा मुक्त करता है। इस अभिप्राय से चेतन अधिष्ठाता को आश्रय दे करके जड़ बुद्धि चेतन की तरह व्यवहार करके मैं मनुष्य हूँ, बस यहीं पर सबसे बड़ा गड्ढा खोल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक मंजिल चढ़ा था। अब उसी बुद्धि को फिर निश्चय करना पड़ेगा, और ये सब शास्त्रों पर के विचार ये अंतकरण की शुद्धि होगी, ये अंतकरण की शुद्धि। हाँ, फिर जो उसमें अस्मिता को हटा देना, दृग दृश्य को मिला दिया था ना, दृग शक्ति दर्शन शक्ति को मिला दिया था, उसको अलग करना। इसलिए वो लोग बोलते हैं प्रकृति पुरुष विवेक का जैसे मुक्ति होता है, और हमारे यहाँ पे जो प्रकृति मिथ्या है तो वहाँ पे उनका प्रकृति बना रहता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है अधिष्ठान के ज्ञान से, जिसको ज्ञान होगा उसी को, दुष्ट सबके लिए नहीं होगा। एक व्यक्ति को ज्ञान हो गया या पूरा सृष्टि नाश हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तो बुद्धि की बुद्धि इंडिविजुअल है, परंतु ज्ञान जिसकी बुद्धि शुद्ध होकर किसको निश्चय किया उसके लिए सृष्टि। सर्वान्यतन पुनर्विशन स्थापित हित्वा सर्वान विशेषण, धीरे से सब कुछ अपने मिला करके फिर धीरे धीरे समस्त विशेष को इस एक भगवान भाष्यकार यहाँ पे ये अपवाद प्रक्रिया को हम जागृत में बैठ करके कैसे करें। देखिए इस अपवाद प्रक्रिया का मतलब क्या है, धीरे 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 कैसे निगेशन के माध्यम से अब अपने स्वरूप तक पहुँच सकते, ऐसा मतलब तब तो क्या हो जाएगा जागृत काल में बैठ कर सुशुद्धि के आनंद ले पाएगा, और ऐसे लेते लेते एक समय ईश्वर के पास क्या हो जाएगा वो अज्ञान की जो बीज है वो चलता फिर अपना स्वरूप नहीं चलता है। ये इसका अभिप्राय है। नेक्स्ट क्लास में एक एक करके आनंदगिरि का भी अगर ऐसे व्याख्या हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या तो कर दिया था किसी का व्याख्या में आनंदगिरि ने किया, अजय मंदिर जड़ी हाँ हाँ ये आनंदगिरि के नहीं उसका व्याख्या किया, तो उसी के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ कि अध्यारो पर कहते होगा तो फिर हमको पहले से शुरू करना पड़ेगा ग्रंथ पीछे वाले तीन का नहीं है। वो आनंद गिरि जी का नहीं, वो भाष्यकार को भी बोलूंगा, वो बोलूंगा एक एक दिन करके बताए भगवान शंकराचार्य को उपक्रम उपशंकर भाष्यकार के लिखा, क्योंकि जो देखे तो ना जो पूज्या भी पूज्यम परम गुरु अमुम पाद पाते नमस्मी, तो क्या है वो भाष्यकार के बोलते हमारे परम गुरु, और अपने गुरु के लिए जो आज आएगा तृतीय वाला। अब जो है यहाँ पे किसको लेकर के विचार चल रहा था कि यथार्थ तो देश नहीं है, यथार्थ तो काल नहीं है, और अभावश्च रथादी नाम श्रीयते नए पूर्व, क्योंकि जो वस्तु जहाँ पे नहीं है यदि उस वस्तु के ज्ञान वहाँ पे होता है तो क्या हो जाएगा वो वस्तु भी मिथ्या है और वस्तु का ज्ञान भी मिथ्या है। अभावश्च के द्वारा मांडू को कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं कि देखो जिस समय हमें सर्प के ज्ञान हो रहा था, हमें लग रहा था कि सर्प है वहाँ पे, मैं सर्प को जानता हूँ, पर जिस समय अधिष्ठान तत्व की ज्ञान हो जाएगा तो आप स्वयं निश्चय करो, क्या निश्चय करोगे, जिस समय मैं सर्प को देख रहा था उस समय सर्प को यहाँ पे नहीं दिया, यानी कि वो सर्प ज्ञान मेरी झूठी थी, सर्प ज्ञान यथार्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये जो ज्ञान होने के बाद धीरे 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 जैसे हमारा अधिष्ठान के ऊपर दृष्टि बनते जाएगी ना, तब उस समय क्या हो जाएगा जागतिक प्रबंध आपके सामने से सत्य तत्व भाव बढ़ रहा है,
सुनते तो घबड़ फट जाते, बिकॉज हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि इन भगवान भाष्यकर बोले हाँ इसको लेकर का फिर ये जो किसी व्यक्ति को आप कुछ समझाना चाहते हैं जो सामने नहीं दिखाई दे रहा। एक व्यक्ति नया आया हुआ है उत्तरकाशी, दिन के समय पहुँचा, ठीक है ना, उस व्यक्ति को मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे ना अभी पहाड़ में आग लगे हुए, दिन के समय धूप में उसको आग नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। अब उसको कैसे समझें, हम पहले बोला क्या बोला कि पहाड़ में आग है, अभी सावधान इधर उधर मत जाना। आपको कैसे पता लगा, बोलते कि आपको धुआं दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ में आग है इस हिस्सा को बोलते हैं प्रतिज्ञा। पहाड़ हो गया पक्ष और पहाड़ में आग आग हो गया साथी, यहाँ इसके दोनों को मिला करके पक्ष और शास्त्र को मिला करके जिस वाक्य को कहा जाता है आग हो गया साथ, आग हो गया अग्निबंधी हो गया साथ, तो ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य। अब अपनी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई हेतु दिखाना पड़ेगा। आपको हम पूछेंगे आपको कैसे पता लगा कि बाहर में आग है, अब जो दिखाई दे रहा है ऐसे बोल हम क्या आपको धुआं दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा, देखो आकर इतना बाधा मतलब सूर्य भी थोड़ा धुंधला जैसा दिखाई, पूरा धुआं से भरा हुआ है, हेतु धूम है, धूमवत्वा धूम धूम वाला होने के कारण, पहाड़ धुआं वाला होने के कारण अथवा परिवेश धुआं वाला होने के कारण। अब जो है ये आपको हो गया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको हेतु दिया। तब जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी, ये भी जरूरी है कि हमने कई बार देखा मतलब हमें भ्रांति हुई कुआशा आदि हुआ बारी देखने में आग नहीं मिलती, तो नहीं नहीं आप ठीक जगह पे नहीं गए, आप रंधन शरण में, रंधन शरण में जाओगे तो जब मैं जितना बार रंधन धुआं देख कर वहाँ गया जा करके मुझे ये होगा आपका दृष्टांत। और दृष्टांत तो सभी के समय उभयवादी संबंध, जिसको आप समझाना चाहते हैं वो भी इसको समझे, ऐसा दृष्टांत तो आपको देना पड़ेगा। हम अपने पक्ष दृष्टांत को नहीं दे सकते, आप भी मानते हो जो सबका समझ में आ जाए उसको हम दृष्टांत में लगा सकते हैं। तो प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, ठीक है ना, अब उनको समझाना पड़ेगा कि दृष्टांत तो आपको समझ में आया, आपको भी अनुभव में आया हुआ है कि जहाँ खान ये आजकल का रसोई नहीं है, जहाँ पे गैस अथवा इंडक्शन हीटर ये भी समझना, पहले लकड़ी का अगर जाता उस समय के बाद, तो हम जब कभी भी रंधन शरण में गए धुआं देख कर के हमें अग्नि प्राप्त हो, इसीलिए संन्यासियों के लिए ना एक नियम था शिक्षा करने के लिए, आपको जब दूर से देखिए कि धुआं नहीं उठ रहा तब जा कर के आप भीम बन, कब लंबा समय तक धुआं नहीं उठ रहा तब आप समझना कम भोजन है, अब खाना पीना बोलो खाने पाने में बचता है तो अब आपको देखा नहीं तो दोबारा इसका बोलो खाना खाके खत्म कर दिया तो कुछ तो नहीं मिलेगा, नारायण हरिया तीन घर भिक्षा मिलने के बाद यदि नहीं मिलता है तो आप उसको भूखा ही, शास्त्रीय विधि तो ऐसे तीन या पाँच घर में मैक्सिमम जितने जो मिलते हैं, इसलिए नियम है। तो दूर दूर में धुआं देख कर आप निर्णय करते हैं कि वहाँ पर आग है और धुआं नहीं है मतलब अंकुश गई है अब खाना बनने से, क्योंकि पहले गर्म अग्नि अग्नि से लेकर के फिर अरुणाचल प्रचंड अथवा दक्षिण अग्नि में ले जाएगा अंग लगा के थोड़ा कठिन होता था, बुझ गया बुझ। अब जो है इस सिद्धांत को जिसको हम समझा रहे हैं इसको बोलते हैं उपनय। उपनय मतलब क्या होगा, जैसा वहाँ पे देखा ना वहाँ ऐसा यहाँ भी दिखाई पड़ रहा, जैसे वहाँ पे देखा हम कई बार रंधनशाला में जा करके ये मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे धुआं देख करके गया मुझे आँख मिल गई, तो यहाँ भी धुआं दिखाई दे, इसी प्रकार धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ भी आग होना चाहिए। ये होता है उपनय। उपनय मतलब इस हेतु के पक्ष में रहना, हेतु को पक्ष में रहना, ये दिखाना दिखाना है पक्ष को। तो मतलब पहाड़ में धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं हो गया हेतु और पहाड़ हो गया पक्ष, पहाड़ में धुआं दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ भी उसी प्रकार के धुआं पहाड़ में दिखाई दे रहा है। उपनय थोड़ा तो क्या होगा अब निगमन मतलब इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए पहाड़ में आग है जो जो प्रतिज्ञा किया था उसको पुष्ट कर हो गए। ये सामान्य हमारा हमने दृष्टांत देखा समझा। अब आइए जिस मुख्य अनुमान के ऊपर बात चल रही है, क्या बात है यहाँ पे, विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, ये अनुमान के ऊपर विचार चल रहा है, विवादास्पद जगत सत्य नहीं है। तो ये पांच जो चीज मिलके इसको क्या बोलते हैं, ये पंच अवयव अनुमान के लिए भी पांच अवयव, किसी व्यक्ति को आपको समझाना चाहते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको समझाना चाहते हैं उस समय आप इस पांच अवयव का उपयोग करें।
अब ये हमने हमारे अब देखिए संदिग्ध साधवान पक्ष हम क्या करेंगे, बाहर में धुआं है देखा आपने परंतु वहाँ पे आग है कि नहीं है निश्चय नहीं कर पा रहे, तो आपने अनुमान करना सिद्ध किया। सात्विक वस्तु मिथ्या है, कृष्ण तो पहले क्या दिया स्वप्न, सात्विक वस्तु मिथ्या ये निश्चय स्वाभिवादी का है, सात्विक वस्तु मिथ्या है और वो सबको समझ में भी आता है। और क्या बोला वो अनुचित स्थान अधिक काल और संवादी प्रमाण और दूसरा क्या है कोई हमारे साथ सहमत जिसके साथ मिलक विचार करके दिया। तो यहाँ पे इस स्वाप्निक वस्तु में ये मिथ्या है पहले निश्चय करके दिखाया। जिस प्रकार हमको पहले कहना पड़ेगा कि आप यदि महानस मतलब रंधनशाला में जाते हो आपको धुआं और अग्नि एक साथ दिखाई दिया वो व्यक्ति पर हाँ ये तो बात सही है, आप उसी प्रकार धुआं यहाँ दिखाई दे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी स्वप्न में तुम्हें वस्तु सत्य दिखाई देता है कि झूठ दिखाई देता है, बोलते नहीं स्वाप्निक वस्तु सब मिथ्या होता है, हमें धोखा है बिल्कुल निश्चय क्यों मिथ्या है। हमने यहाँ पे क्या बोला दृश्यत्व दृश्यत्व रूपी हेतु बोला है ना, हम कहेंगे यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्या। अब ये जो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ गंधी या फिर दो शब्दों टेक्निकल टर्म यूज करते हैं व्याप्य और व्यापक, व्याप्य और व्यापक धुआं हो गया व्याप्य गंधी हो गया व्यापक, क्योंकि धुआं के बिना भी अग्नि रह सकता इसलिए उसकी व्यापकता अधिक है, उनकी व्यापकता अधिक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो क्या है जहाँ जहाँ दृश्यत्व वहाँ वहाँ मिथ्यात्व, ये हमने बोला परंतु मिथ्यात्व की व्याप्ति अधिक है, जो नहीं दिखाई दे रहा है स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि वो भी मिथ्या है, दृश्यत्व के बिना भी मिथ्यात्व रहता है। इसलिए जिस प्रकार धुआं के बिना भी अपनी रह सकते उसको व्यापक बनाया ठीक है ना, और दृश्यत्व यदि होता है तो सब तो दृश्य होगा, सुवर्णिंद्र को तरह जाना अपने ब्रह्मलोक है स्वर्गलोक है उस समय अंत बाद में आप स्वयं निश्चय करेंगे कि दृश्यत्व कोटि में आने के कारण ये भी मिथ्या है। तो ये व्याप्य और व्यापक हुआ, व्याप्य हो गया धुआं, हम क्या बोलते हैं बंधी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, बंधी का व्याप्य बंधी का बंधी हो गया व्यापक, तो बंधी का व्याप्य जो धुआं है उस धुआं से तरह ग्रसित है ये पहाड़। ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वगत अयम जगत दृश्यमान अयम जगत है ना, मिथ्यात्व की व्याप्य जो दृश्यत्व है वो दृश्यत्व के तरह घेरा हुआ ये जगत, तब क्या हो जाएगा ये जो है हेतु को पक्ष में वृत्ति था पक्ष धर्म का दिखाया, तब क्या हो जाएगा पक्ष में आपका साधु भी सिद्ध हो जाएगा। इसी यहाँ पे देखिए भगवान इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे स्वप्न दृश्य जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा ठीक है ना, जागृत दृश्य जो भाव वस्तु है वो भावानाम भेद मतलब विद्यमान वस्तु स्वप्न में देखते हैं वो मिथ्या है ये प्रतिज्ञा है, क्यों दृश्यत्वादिति हेतु दिखाई दे रहा है इस कारण से स्वप्न दृश्य भागवत स्वप्न में दिखाई दे रहा भाव वस्तु का एक दृष्टांत, देखिए प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत ये तीन हो गया एक क्रम से बोला पहले, उसके बाद क्या बोलेंगे उपनय, उपनय मतलब जैसा हमने प्रसिद्ध स्थल में देखा उसको बोलते हैं स्वपक्ष, और ये हो गया पक्ष जहाँ पे आप इसको सिद्ध करेंगे हो गया पक्ष, और जिस आधार पर सिद्ध करेंगे हो गया स्वपक्ष, और जहाँ पे ये सिद्ध नहीं होगा हो गया विपक्ष, हो गया विपक्ष। यहाँ पे बोलते हैं यथा तत्र तत्र मतलब स्वप्न, जैसे स्वप्न में ऊपर में क्या है यथा तत्र तथा यथा तत्र ये हो गया हिंदू की पक्ष धर्मता को दिखा रहे हैं मूल में, देखिए यथा तत्र तथा ठीक है ना मूल में ये दिखा रहे हेतु का पक्ष धर्मता मतलब उपनय, इसको उपनय बोलते हैं हेतु पक्ष में बैठा हुआ, तो यथा तत्र तत्र मतलब हो गया स्वप्ने ठीक है ना, दृश्यानाम भावानाम वैतत्व जिस प्रकार दृश्यमान पदार्थों का मिथ्या है ये हम निश्चय करते हैं तथा ये तथा मूल में है तथा जागरिते अभी है ना, क्योंकि अभी दृश्यत्व दृश्यत्म अविशिष्टम इति हेतु उपनय ठीक है ना, हेतु के यहाँ पे उपनय करके दिखाते हैं मतलब हेतु के पक्ष धर्मता को दिखाना, हेतु पक्ष में बैठा वो दिखाना है जिसको बोलते हैं उपनय ठीक है, ये होगा आपका तृतीय उपाध के तरह फलो, तो क्या हो जाएगा आपको अभी निश्चय हो जाएगा, क्या निश्चय हो जाएगा कि यहाँ पे जो है पहाड़ में आग है मतलब जगत में मिथ्यात्व बैठा हुआ उसको बोलते हैं तस्मात जागृत, इसमें इसलिए जागृत भी मिथ्या है इस प्रकार स्मरण किया जाता है। अंत मैं बोला कि दोनों में बिल्कुल यदि क्योंकि स्वप्नों के सहारे आप जागृत का मिथ्या सिद्ध किया जब मिथ्या हो गई तो आपको जो है एक ही कैटेगोरी में आ गया, परंतु स्वपक्ष और पक्ष में थोड़ा भिन्नता होना चाहिए, तो स्वपक्ष और भिन्न और पक्ष में भिन्नता दिखाने के लिए ये कह दिया कि देखो जो स्वपक्ष है वहाँ पे कहता है संवितत्व न वहाँ पर संकुचित स्थान है और जागृत में स्थान संकुचित नहीं है, क्योंकि आपको पक्ष और स्वपक्ष को अलग दिखाना पड़ेगा
यदि सभी को आप पक्षकोटि में ले लोगे तो आप दृष्टांत तो नहीं ले सकते, आपको समझाने के लिए जगह नहीं रह जाएगा, इसलिए एक जगह आपको समझाने के लिए रखना पड़ेगा, उसको बोलता है स्वपक्ष। और जहाँ पे सिद्ध करना चाहते हो गया पक्ष, और जहाँ पे सिद्ध नहीं हो तो वहाँ हो गया विपक्ष। इसीलिए यहाँ पे भिन्नता क्या है, भिन्नता के जो आपने कहा भिन्नता यही है, स्वप्न में वस्तु क्या होता है संकुचित स्थान में दिखाई देता है, और जागृत में वस्तु क्या है आपको पूरा जो जिस वस्तु का जिस स्थान होना चाहिए वहाँ दिखाई देता है। और ये भिन्नता चाहिए, न तो पक्ष और स्वपक्ष भेद नहीं कर पाए, इसलिए दोष नहीं है। अच्छा, अब जो है यदि हमारी दृष्टि से हम देखेंगे तब क्या हो जाएगा, आपको जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो जहाँ पे दिखाई दे रहा है वास्तविक वो वस्तु जिस अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो अधिष्ठान ज्ञान हमें अभी तक नहीं हुई। जब तक हमें रज्जु रूपी अधिष्ठान के ज्ञान नहीं हुई तब तक हमें वहाँ पे सर्व और सत्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। मरुभूमि में पानी आपको दिखाई पड़ते हैं, वो पानी जब तक आपको कोई कहना दे कि वहाँ पे जो है तालाब नहीं है, कितना भी दौड़ो तुमको पानी नहीं मिलने वाला है वहाँ पे, तो आप समझ लेने के बाद तब हम चाक्षिकता दिखाई देने पर भी बिना मुश्किल ही नहीं मानते। प्रारब्ध को लेकर के बोलो, जब तक जीवन मुक्त पुरुष का प्रारब्ध रहता है तब तक क्या होता है कि थोड़ा बहुत जगत व्यवहार जितना प्रारब्ध जो व्यवहार बचा होता है उस कारण से थोड़ा चाक्षिकता दिखाई पड़ता है, मतलब निश्चय रहता है। क्या निश्चय रहता है, सत्य नहीं तो सत्य नहीं। इसलिए बोलते हैं यह प्रक्रिया यही है कि प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्त भी उपनय ही होगी, उपनय यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां परितत्र तथा जागृत भी, इस प्रकार जागृत में भी ऐसे ही होता है कि दृश्यत्म अवशिष्टम, दृश्यत्व हेतु जो है दोनों जगह में समान है। इस प्रकार क्या होगा, हेतु उपनय। देखिए आपको चार अवयव बोल दिया ना, प्रतिज्ञा दृष्टान्त हेतु उपनय, आप क्या हो जाएगा आपका निगमन। इसलिए बोलते तस्मात् जागृते अपि वैतत्त्वं स्मितम् इति निगमनम्, जो तो श्लोक का द्वितीय पाद है, जो श्लोक का द्वितीय पाद है वो निगमन स्थानीय है, मतलब इन्फरेंस है। तस्मात् इसलिए जागृत में भी ये जब मिथ्यात्व स्मरण की स्मरण करते हैं कौन, ज्ञानी लोग इसको मिथ्या ही ऐसे स्मरण करते हैं, इसी को निगमन बोलते हैं। अब बोलते हैं ये जो पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में भेद कैसे कर गया, यदि भी मिथ्या हो जाएगा। बोलते हैं अंतरस्थानात् संवृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्येभ्य भेद, ठीक है ना, ये भेद हमारे लिए हानिकारक नहीं है, युक्ति को लगाने के लिए हमें भेद को रखना पड़ेगा। स्वप्न और जागृत में जो भिन्नता है ये पूरा एक नहीं है, हम हमेशा ध्यान रखना है। दृष्टांत और दृष्टांत में कभी भी पूरा एक नहीं, दृष्टांत और दृष्टांत तभी बनेगा कुछ एक विशेषता को दिखाने के लिए हमने उस दृष्टांत को दिया, पूरा पूरा एक वस्तु हो जाए तो एक ही हो जाए, इसीलिए आगे बोलते हैं दो वस्तु नहीं रह जाएगा। अंतस्थानात् संवृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्येभ्य भेद, जागृत दृश्य से वो भिन्न हो जाएगा। जिसके सहारे हम जिसको समझाना चाहते हैं, जिसके सहारे समझाना चाहते हो गया दृष्टांत हो गया एग्जाम्पल, और जिसको समझाना चाहोगे दृष्टांत एग्जाम्पलीफाइड, ये दोनों का भिन्नता है। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या है भिन्नता, तो यहाँ भी है कि संवृतत्व हेतु न, परंतु वहाँ पे दृश्यत्वम असत्यत्वम जो अविशिष्टम उभयत्र, दोनों जगह समान क्या है, दृश्यत्व के भी धर्म, दृश्यत्व के धर्म जहाँ पे होगा वहाँ मिथ्यत्व भी रहेगा, ये दोनों धर्म जागृत स्वप्न दोनों के समान है। पर भिन्नता क्या है, जो स्वप्न में अनुचित स्थान है और जागृत में भी आपका उचित स्थान दिखाई पड़े। अब हम जब सूक्ष्म विचार करें, जब हम सूक्ष्म विचार करेंगे तो अभी अनुचित स्थान भी आपको पता लग जाएगा। ये सामान्य दृष्टि सामान्य लोगों से आप जब सूक्ष्म विचार करेंगे, शास्त्र को सूक्ष्म विचार, क्योंकि जगत का मूल कारण क्या है एकमात्र श्रुति के बिना आपको कैसे पता नहीं लग सकता है। सदैव स्वमेदम अग्रे आसी ब्रह्म वैदम अग्रे आसी पुरुष है वैदम विश्व आत्मा वैदम अग्रे आसी, चाहे आत्मा बोलो चाहे पुरुष बोलो चाहे ब्रह्म बोलो चाहे सद बोलो, ये चारों के द्वारा उपलक्षित होता है क्या निर्गुण निराकार निर्विशेष। अब उन तत्वों का ज्ञान अभी तक हमें नहीं हुआ, वो तत्व का ज्ञान हमें नहीं होने के कारण क्या होता है, हमें जगत में तब तक सत्य तो दिखाई पड़ता है। जैसे ही धीरे धीरे अभ्यास के बुक एक प्रश्न उठाया था भगवद्गीता में कृष्ण चंद्र सत्य कि भगवान में मन लगने पर जगत में मिथ्यात्व निश्चय होता है, जगत से मन उठने पर भगवान में मन लगता है, किसको पहले तब बोला निश्चय करके बोला संस्पर्श होगा दुख हो जाना ये बने न ते शूर मते होता, बुद्धिमान व्यक्ति ये जो विषय की संयोग से शुरू उत्पन्न होता है दुख नहीं, हमेशा दुख है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ का दमन नहीं करना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से जब हम धीरे धीरे विषय के प्रति मन रमना छोड़ जाएगा
तो मन को अपने अधिष्ठान की विधा को यह अवलंबन रह ही नहीं जाएगा, तो होता तो साक्षात्कार नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं कि विशिष्टतम असत्यतम जो अविशिष्ट, इसको पट्टिका को छूट गया था ना। ठीक है, ये पांच अवयव समझ में आया, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, एक ही श्लोक में देखिए कितना सुंदर बता दिए। तो यहाँ पे हम टीका कहाँ तक पढ़े थे इसका, इस इधर आ जाइए पेज 84 में। ठीक है ना, द्वितीय पादेन प्रतिकूल प्रमाण अभाव सूचकम प्रतिज्ञा उपसंहार वचनम निगमनम सूत्रितम, श्लोक के द्वितीय पाद के द्वारा कौन सा, तस्मात् जागरित स्मृतम। यहाँ पे जिससे एक अनुकूल तर्क होता है, अनुकूल तर्क मतलब कि आपने बोला पहाड़ में धुआं दिखाई पड़ रहे हैं, तब हम उसको समझाने के लिए यदि वहाँ पे आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं, यदि मन भी नाश है तभी धुआं भी नाश है, यदि ये मिथ्य नहीं होता कि तब ये दृश्य भी नहीं होता। यहाँ पे दृश्य तो है इसलिए मिथ्य भी है, इस प्रकार से अनुकूल तर्क से दिव्य पाठ को पुष्ट किया। द्वितीय पादेन प्रतिकूल प्रमाण अभाव सूचकम, इसका कोई प्रतिकूल प्रमाण नहीं है यहाँ पे, क्या कि जगत शब्द है मिथ्या के प्रतिकूल, मिथ्या के प्रतिकूल के प्रमाण आप नहीं लिख सकते, बोले कि प्रत्यक्ष प्रमाण से मिथ्या शब्द हो जगत मिथ्या का शब्द हो जाए, बोलते प्रत्यक्ष तो आपको माया ने भ्रम शो करके प्रत्यक्ष हो रहा है, बोलते यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए और दूसरी बात क्या है, बैली बता रहा है एक अनुवाद भाग है और एक प्रतिपाद्य भाग है, श्रुति की जो प्रतिपाद्य भाग है दूसरा किसके प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसमें किसी प्रमाण के साथ विरोध का शंका ही नहीं। आप बोलेंगे हमारा देखना और सुनने में गलती हो गया, अब बोल नहीं, किसी ने कहा कि वो व्यक्ति सफेद कपड़ा करके बैठा हुआ है और मेरे को दिखाई दे रहा है व्यक्ति भगवा कपड़ा करके बैठा हुआ है। ठीक है ना, किसी ने कहा कि वो व्यक्ति सफेद कपड़ा पहनते हुए हम देखा, हमने क्या दिखाई दे रहे, तो आपका सुनना और दर्शन प्रमाण में भिन्नता हो रहा है, परंतु आप मान्यता किसको देंगे, जो हम अपने आप देख रहे हैं। और इस दोनों का प्रमाण का विषय मतलब प्रमेय वस्तु अलग अलग है, ये शब्देन्द्र शब्द विशेष को विषय करता है, ये रूप रूप को विषय करता है, परंतु इन दोनों का विषय एक नहीं है, प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु अलग अलग होता है, प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु अलग होते हैं। श्रुति भी एक प्रमाण है, आगम एक प्रमाण है, आगम का भी प्रमेय वस्तु अन्य प्रमाण से जो जाना जाता है उससे भिन्न होगा। इसीलिए किसी भी प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण के साथ विरोध नहीं कर रहा, सूक्ष्म का विचार करेंगे तो आपको जो है क्या होता है कि प्रमाण मतलब आपने प्रत्यक्षादी प्रमाण से जो कुछ देखा जाता है वो श्रुति का प्रमेय वस्तु नहीं है, परंतु श्रुति के साथ उसका विरोध नहीं हो सकता है। श्रुति किसने, मैं कल बोला था आप स्वप्नों को मिथ्या क्यों बोल रहे हैं, जागृत के सापेक्ष में स्वप्न मिथ्या है, और जागृत का क्यों मिथ्या बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा के सापेक्ष में जागृत। अच्छा एक बात और है यहाँ पे ऐसे समझाएं कि जिस प्रकार देखिए मिथ्यात्व के लिए आपने स्वप्नों को मिथ्या क्यों माना, किंतु स्वप्न के देखा हुआ वस्तु जागृत में कोई काम में नहीं आता, स्वप्न में देखा हुआ वस्तु जागृत में कभी काम में नहीं आता। अच्छा बताओ जागृत में देखा हुआ वस्तु स्वप्न में काम आता कि नहीं आता, जागृत में देखा हुआ वस्तु स्वप्न में काम आता कि नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसका संस्कार केवल मंत्र रह जाता है। जागृत जागृत की जो लट्ठी है उस लट्ठी यदि आपका बगल में रखा हुआ है और आपने सांप को भगाने के लिए उस लट्ठी से आपने मारा, कहाँ मारेगा, अपने टाक भी मारेंगे, सुबह उठ करके आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। परंतु जो है वो स्वाप्निक वस्तु जो है उपहार, जिस प्रकार जागृत की वस्तु स्वप्न में काम नहीं आता उसी प्रकार स्वाप्निक वस्तु जागृत में काम नहीं आ रहा है इसीलिए स्वप्न में इतना है, तो जागृत में वस्तु को स्वप्न में काम नहीं आता है तो वो मिथ्या मानने में क्या सुविधा है। और इसी प्रकार से जागृत और स्वप्न दोनों वस्तु सुषुप्ति का भी व्यभिचार करते हैं, दोनों कोई काम में नहीं आता, व्यभिचार कौन नहीं कर रहा है, मैं जो मैं जागृत करें ज्ञान को अनुभव किया था वही मैं स्वप्न देखा था, वही मैं अभी जागृत स्वप्न दोनों को छोड़कर वही मैं बिंदा मानू मैं आराम से सेवा, ये सब कारण को लेकर के जागृत के मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, सर्व द्वैत द्वैतत्ववादिना, टीका में देखिए टीका पेज 84, समस्त जो द्वैत प्रपंच है वो मिथ्य है, सर्व द्वैत द्वैतत्ववादिना केन विशेषेण पक्ष स्वपक्ष विभाग सिद्धे, किस विशेषता के द्वारा आप पक्ष और स्वपक्ष का विभाग करोगे, पक्ष और स्वपक्ष का विभाग नहीं कर पाओगे तो अनुमान नहीं हो पाएगा, अनुमान सिद्ध नहीं कर पाओगे। अनुमान करने के लिए आपको एक दृष्टांत स्थल देना पड़ेगा जिसको हम स्वपक्ष बोलते हैं, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो मतलब जो सिद्ध करना चाहते हो जहाँ पे शंकित शंका है वो पक्ष बन जाता है, संदिग्ध साधुवान पक्ष, ठीक है ना, अनिश्चित साधुवान स्वपक्ष। तो यहाँ पे हो गया
कि सर्व द्वैत द्वैतत्व वादिनम समस्त द्वैत प्रपंच मिथ्या इस प्रकार बोलने वालों के पक्ष में केन विशेषण किस विशेषता के द्वारा पक्ष स्वपक्ष विभाग सिद्धि, पक्ष और स्वपक्ष का विभाग कैसे सिद्ध होगा? आप अनुमान करने जा रहे हो तो आपको पहले पक्ष और स्वपक्ष अलग अलग दिखाना पड़ेगा। सिद्धि इति आशंक ऐसा शंका करके अर्थस्थानात्तु संप्रतत्वेन भिद्यते इति अत्र विवक्षितम् अर्थम आह। ये देखो हमारा स्वपक्ष और पक्ष में भिन्नता क्या है, एक अर्थस्थान और एक बहिस्थान। इसलिए ये हमारे भिन्न ये हमारा रहने से कोई दोष नहीं है, ये अनुमान को पुष्ट करने के लिए ऐसा ही रखना पड़ेगा आपको स्वपक्ष और स्वपक्ष को दिखाने के लिए कि अंतस्थानात्तु संप्रतत्वेन अंतस्थान भी है और अत्यंत संकुचित स्थान है, जागृत में संकुचित स्थान नहीं अभिष्ठित स्थान है। ये इस प्रकार से पक्ष और स्वपक्ष में भिन्नता हो जाता है। भिद्यते इति अत्र विवक्षितम अर्थ, इस विषय विवक्षित अर्थ को वहाँ पे द्वितीय पाठ के द्वारा कहा कि अंतस्थानात्तु भाव अंतस्थानात्तु भेदाना, क्योंकि वो जो भेदाना मतलब भावाना जो विद्यमान भाव वस्तु स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, शरीर के अंदर संकुचित स्थान में दिखाई पड़ता है और जागृत काल में क्या होता है, बाहर अभिष्ठित स्थान में दिखाई पड़ता है। इसलिए एक में स्वपक्ष एक में पक्ष बन जाएगा, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये भेद रहने से हमारा अनुमान के लिए अनुकूल पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सर्व द्वैत द्वैतत्ववादिनम केन विशेषण पक्ष स्वपक्ष विभाग सिद्धि आशंक्य अंतस्थानात्तु अंतस्थान में होने के कारण भिन्नता दिखाने के लिए तू संवृतत्वेन मतलब अत्यंत संकुचित स्थान में होने के कारण भिद्यते भेद होता है इति अत्र विवक्षित अर्थम। यहाँ ये जो अभिप्रेत अर्थ है उसके यहाँ पे इस श्लोक की पहला पाठ के द्वारा कहा गया है। टीका में स्वप्न दृश्यानाम अंतस्थानम संवृतत्वम च न तथा जागृत दृश्यानाम, ठीक है ना, जागृत दृश्य में स्वप्न दृश्य में मतलब स्वपक्ष और पक्ष में ये भिन्नता है। पक्ष क्या हो गया, अत्यंत संकुचित स्थान में है और स्वपक्ष क्या हो गया, पक्ष हो गया विस्तृत स्थान में। इस भिन्नता हो गया इसलिए होता है स्वप्न दृश्यानाम अंतस्थानम संवृतत्वम च, वो अंदर भी है और संकुचित स्थान में है। न तथा जागृत दृश्य, जागृत दृश्य ऐसा नहीं है, न तथा जागृत दृश्य न तेन उचित देशादि अभाव तेषां तेभ्य वैषम्यं स्फुटं पक्ष और स्वपक्ष में, पक्ष और स्वपक्ष में विषमता स्पष्ट समझ में आता है। इसलिए बोलते हैं तेन दो नंबर टिप्पणी मतलब जागृत दृश्येषु अंतस्थानत्व अभावेन, तेन मतलब जागृत दृश्य अंतस्थान में नहीं है मतलब संकुचित स्थान में नहीं है, जागृत दृश्य विस्तृत स्थान में है। इसलिए क्या हो गया, पक्ष और स्वपक्ष में भिन्नता स्पष्ट हो जाता है। जो तेना उचित देशादि अभाव, यहाँ पे उचित देश आदि के अभाव से तेषाम तेभ्य मतलब तेषाम से क्या लेंगे, वैषम्य तेषाम तेभ्य, तेषाम एक षष्ठी अंत है और एक तेभ्य हो गया पंचमी अंत, इसका इससे तेषाम मतलब उसका इससे भेद है, जागृत का स्वप्न से भिन्नता। जागृत का स्वप्न, क्योंकि स्वप्न को तो हमने समझ दिया, अब जो है उसको स्वपक्ष बन गया तो स्वपक्ष से पक्ष भिन्न है सिद्ध हो जाता है। स्वपक्ष से स्वप्न मतलब पक्ष भिन्न है ये सिद्ध हो जाता है। क्यों, वहाँ पे क्या विषमता दिखाया, एक हो गया संकुचित स्थान, एक हो गया स्वप्न स्वपक्ष, पक्ष जागृत पक्ष उसको अपने मन भी बनाया, पक्ष बनाया विमतम मिथ्या वैषम्य स्फुट। तो इसीलिए पे बोलते हैं सिद्ध भी योग्य देशादि अभावे न स्वप्न से मिथ्यात्व, है ना, ये तो पहले सिद्ध करके दिखाया कि योग्य देशादि के अभाव होने के कारण स्वप्न में मिथ्यात्व रूपी धर्म बैठा हुआ इति, ये हो गया स्वपक्षोत्तम। देखिए बोल रहे हैं अपनी स्वपक्षोत्तम, ठीक है ना, सिद्धम ये योग्य देशादि अभावे न स्वप्न से मिथ्यात्व इति स्वपक्षोत्तम, पूरा टीका कर ली थी स्वपक्ष हो गया। जागृत पुनर्चित देश आदि सद्भाव, जागृत में क्या था, उचित देश आदि की सद्भाव होने के कारण स्फुटम अस्फुटम मिथ्यात्म, मिथ्यात्म वहाँ पर स्पष्ट नहीं है, अस्फुटम मिथ्यात्म मतलब पहाड़ में अग्नि है स्पष्ट नहीं दिखाई दे, धुआं दिखाई पड़ रहा है, ये अस्फुट अग्नि है वहाँ, इसी प्रकार अस्फुट मिथ्यात्म है। ये जहाँ पे संदिग्ध साधवान पक्ष मतलब मिथ्यात्म है कि नहीं है उसको लेकर, जहाँ पे इसको लेकर उसको हम पक्ष बोलते हैं, शांति में संदेह हो। इसलिए होता है जागृत पुनः उचित देशादि सद्भाव, जागृत वहाँ पर अनुचित देश है, जागृत में क्या उचित देश उचित काल सब होने के कारण अस्फुट मिथ्यात्म वहाँ पे मिथ्यात्म उतना स्पष्ट नहीं है इति पक्षत्व, इसलिए वहाँ पे पक्षत्व सिद्ध हो जाएगा इति अर्थ, इसका विपरीत अर्थ है। तरी सर्वथा वैषम्य, तब तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, सर्वथा वैषम्य हो गया,
जागृत अलग शब्द अलग, तब तक हम उसको दृष्टांत नहीं दे सकते। बोलते नहीं नहीं, सर्वथा वैषम्य नहीं है, दृश्यत्व मिथ्यत्व तो बैठा हुआ है। इसलिए बोलते हैं तरी सर्वथा वैषम्य दृष्टांत दृष्टांतिक भाव असिद्धि, हर बिल्कुल मतलब भिन्न होने के कारण दृष्टांत और दृष्टांतिक ये दोनों भाव सिद्ध ही नहीं होगा, इति आशंका। यानी कि क्या दिखाई दे, हमेशा ध्यान रखना है, किसी को कोई दृष्टांत के द्वारा किसी को समझाना है दृष्टांत दृष्टांत, उसका कोई भाग में कोई एक आदि भाग में समता होगा और बाकी भाग में विषमता होगा। ये दोनों पूरा एक होता है तो दृष्टांत दृष्टांत बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। इसलिए आगे बोलते हैं तरी सर्वथा वैषम्य, हर प्रकार से विषमता के कारण, मतलब एक में उचित देश काल है और एक में उचित देश काल नहीं है, इसलिए क्या हो गया दृष्टांत दृष्टांतिक भाव असिद्धि, तब क्या हो जाएगा दृष्टांत और दृष्टांतिक भाव तो सिद्ध नहीं होगा। यदि ऐसा कोई शंका करता है उसको उत्तर भगवान भाष्य बोलते हैं नहीं नहीं, दृश्यत्व और असत्यत्व अविशिष्ट उभयत्र, दृश्यत्व और असत्यत्व दोनों जगह पर समान है, यह जो है समझ में आएगा। तीन नंबर टिप्पणी में देखिए तरी, ठीक है ना, तरी जागृत दृश्यानाम उचित देशादि शक्ति, तरी मतलब जागृत देश में उचित देश है उचित काल है, परंतु क्या हो जाएगा वो स्वप्न से बिल्कुल भिन्न हो गया, स्वप्न से भिन्न होने पर भी दो जगह पे समान हो गया दृश्यत्व और असर। इस प्रकार से दृष्टांत दृष्टांत आपकी थोड़ा स्वप्न और जागृत पक्ष और पक्ष में चार डिफरेंस है। नंबर वन देश काल जीने का डिफरेंस है, स्वप्न में अमेरिका में था और एक्चुअली इंडिया में है। आप बोला काल जीने का स्वप्न में, मतलब जितना काल में अमेरिका जाने में लगा उतना ले आप उत्तोलन यहाँ में। थर्ड डिफरेंस है शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं, कोई हाँ कोई दूसरा कोई प्रमाण क्या बोलता है एक लाइन में संवादी प्रमाण अभाव, संवादी प्रमाण अभाव मतलब पुष्ट करने के लिए प्रमाण के अभाव। दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव, दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव। मैं बोला कल रात को आपको मैं मिला था स्वप्न में, आप बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, तुमने नहीं मिला, आपको अपना स्मरण स्वप्न के स्मरण हो रहा है उसको तो कहने की सत्य नहीं। स्मृति हाँ इसका अभाव होने के कारण इसको हम आदि पद के लिए, ठीक है ना। तरी सर्व सर्वथा वैषम्य दृष्टांत दृष्टांतिक अभाव सिद्धि आशंका अनुदृश्यत्व, ठीक है ना। यहाँ पर बोलते हैं दृश्यत्व दृश्यत्वम असत्यत्वम जो अविशिष्ट उभयत्र, ये वो अब देखिए यहाँ विद्यासा आपने मतलब स्वप्न में देखा, अब जागृत स्वप्न और जागरण में कोई भिन्नता नहीं है, उसको एक श्लोक के द्वारा कहना चाहिए। इसमें यहाँ पर टीकाकार अगले श्लोक के लिए पाँच के लिए पद का है स्वप्नवत जागृतस्य मिथ्यात्वे स्वप्न निद्रायतौ अद्दो। देखिए आपको एक का 14 देखिए, एक का 14 नंबर श्लोक देखिए, पेज पेज एक का 14 नंबर तरीका है आपका, पेज हो गया 58। स्वप्न निद्रायुतौ अद्दौ प्राज्ञस्व स्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुरीये पश्यन्ति निश्चिता। मतलब स्वप्न निद्रा मतलब अग्रहण और अंधथाग्रहण, जागृत और स्वप्न एक ही प्रकार की है, ये मांडू को कालिदास पहले भी कथन करके आया, क्यों अग्रहण और अन्यथाग्रहण दोनों जगह पर समान है। स्वप्न और जागृत में मतलब यथार्थ तत्व के ग्रहण नहीं है फलत अन्यथाग्रहण हो रहा है, जागृत और स्वप्न दोनों जगह निद्रा और स्वप्न से जुड़ा हुआ है, जागृत और स्वप्न निद्रा और स्वप्न से जुड़ा हुआ है, मतलब निद्रा काल में ही आप स्वप्न देखते हैं। हमारे यहाँ पे निद्रा की परिभाषा दिया अग्रहण और स्वप्न की परिभाषा दिया अग्रहण अन्यथाग्रहण, ठीक है ना। मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट इज द कॉज ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो पूरा व्यवहारिक जगत में भी यही दिखाई पड़ता है, यही वेदांतिक मुख्य सिद्धांत है। अपने यथार्थ तो क्या वस्तु वहाँ पे है वो नहीं समझा, परंतु दूसरा वस्तु की कल्पना कर, ये पहले भी मांडू को कार्य करता बोल बोल करके आया। स्वप्न निद्रा ऋतु आदो मतलब जागृत और स्वप्न यहाँ पे अभिमानी चेतन दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब विश्व और तेजस, विश्व और तेजस क्या होता है वो अपने स्वप्न अग्रहण और अन्यथाग्रहण से जुड़ा हुआ है। प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्र, प्राज्ञ क्या है स्वप्न तो नहीं है परंतु निद्रा है, निद्रा मतलब अग्रहण है, निद्रा मतलब क्या है अग्रहण है अन्यथाग्रहण नहीं है, किसमें से जुड़ते नहीं अग्रण है अन्यथा ग्रहण नहीं है, क्यों अन्यथा ग्रहण करने के लिए जो उपकरण था वो काम नहीं कर, काम करने बंद कर,
इसीलिए वहाँ पे स्वप्न निद्रा जो तो अब तो प्राग्नस्त स्वप्न निद्रा है परंतु न निद्रा नहीं बचा स्वप्न तू ये पश्यन्ति निश्चित है ना। तुरियों में ना स्वप्न है ना निद्रा है, ना निद्रा है ना स्वप्न है। मगर जो प्राथम अवस्था है जो सुषुप्ति वो निद्रा का अलग स्टेज है ना, वो निद्रा में ही आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। निद्रा में आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं परंतु वहाँ अज्ञान बीज रूप में नहीं जाता, अज्ञान नाश नहीं होता। अज्ञान बीज रूप में नहीं जाने के कारण हम स्वरूप के साथ एक होकर के तो सुने हैं परंतु क्या होता है फिर जग करके पिता तारा हम कर निष्ठा तो अगर समझाएगा कई बार एक टैंक में ठंडा पानी भरा हुआ है और एक गर्म पानी का ग्लास ढक्कन लगा हुआ है, यदि आप टैंक में डाल दोगे तब क्या हो जाएगा, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा परंतु पानी मिल नहीं जाएगा, उसी पानी को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जागृत स्वप्न में व्यवहार करते समय जो हमारे अंदर विक्षेप अथवा उष्णता आते हैं, सुषुप्ति काल में जब हम स्वरूप में जा करके सोते हैं वो शांत हो जाते हैं, उठते हैं कमर मन बुद्धि सब शांत हो जाए, परंतु अज्ञान नाश नहीं होगा, वो पॉलीपैक वहाँ पर रह गया परंतु वही जल वापस आ जाता है, परंतु जल का क्वालिटी बदल जाता है, हम फ्रेश होकर के फट जाता है। तुरियों में क्या होगा, पॉलीपैक फट गया। अब जब आप जागेंगे तब क्या हो जाएगा कि जल मिला हुआ है, व्यापकता नहीं आता है, व्यापकता नहीं है। ये जो है एक चीज़ यहाँ पे आगे बोलने के लिए बोलते हैं कि स्वप्न स्वप्न व जागृत मिथ्यत्व स्वप्न निद्रा युत अब्दौ इत्यादौ जागृत स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त भवति। जागृत में स्वप्न शब्द को प्रयोग करना युक्त संगत है, क्यों यहाँ पे अग्रण अन्यथाग्रहण दोनों हो रहा है जैसे स्वप्न में होता है, इसलिए जागृत और स्वप्न दोनों एक ही कैटेगरी है, दोनों दोनों के अंदर जो धर्म गुण है वो एक ही प्रकार के हैं, अग्रण अन्यथाग्रहण दोनों। और ये चीज़ आपको पुस्तक में नहीं मिलेगी, कौन सा जो मैं बोला आपको कभी भी देखना, आप जो है स्वप्न जो है जागृत संस्कार के अनुरूप ही होता है, यानी कि स्वप्न कभी भी जागृत को छोड़ करके नहीं रह सकते, तो जो वस्तु जिसको छोड़ करके नहीं रह सकते उसका स्वरूप यही होता है, इसी से जागृत और स्वप्न संबंध शुरू होता है, ये थोड़ा सूक्ष्म अवस्था है। तो यहाँ पे अच्छा एक और भी कि हम विज्ञान भी यही बोलता है, बाहर हमें उसी वस्तु दिखाई पड़ता है जो हमारे माइंड में होता है, ये पहले आपका दिमाग में आता है वस्तु, चिड़िया के ऊपर भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो फिर वो बाहर प्रोजेक्ट होता है, क्या होता है आपको भी देखिए कैसा होता है कि जन्मांतर संस्कार से कोई वृत्ति मन में उठा, आपको वृत्ति आपके कैसे उठेगा आपको तो हम बोलता हूँ प्रारब्ध में आगे सुख अथवा दुख है, तो जन्मांतर संस्कार से कोई वृत्ति उठा ये चाहिए अथवा वो चाहिए अथवा ये चाहिए नहीं चाहिए, वो फर्स्ट कहाँ आया माइंड में, माइंड में आने के बाद फिर बाद में बाहर क्यों जाएगा कि हमारे इसीलिए पहले जैसे स्वप्न में पहले माइंड में रहता फिर बाहर दिखाई पड़ता है, जागृत व्यवहार में बिल्कुल ऐसे ही है, जन्मांतर संस्कार से पहले वो मन में बैठा हुआ है और फिर बाद में माइंड को देखा। आप बोलेंगे वहाँ अंदर गया कैसा, ये बौद्ध की तरह हमारा भिन्नता है, बौद्ध वाले बाहरी जगत को मानते ही नहीं है, हम बाहरी जगत को मानते हैं, बाहरी जगत को मानने के बाद पहले उसका संस्कार अंदर जाता है बाहरी देख करके फिर तरह रूप हम व्यवहार। अच्छा एक चीज और मरी के बात बोलते हैं, जिस चीज़ हम आँख बंद करके देखते हैं चाहे लोग कुछ भी बोले कि मेरा दर्शन ये हो गया वो दर्शन हो गया, परंतु आप बोलेंगे कि वो दर्शन सही नहीं है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आँख बंद करके सामान्य व्यवहार आँख बंद करके जिस चीज़ को हम देखते हैं वो क्षयवादी बोलते हैं कि दर्शन आपका सही नहीं होगा। आप बताइए जब हम मरते हैं तब आँख खोल के जाते हैं कि आँख बंद करके जाते हैं, और जब मातृगर्भ में आते हैं तब भी हमारा आँख बंद रहता है बाद में खुलता है, बाद में खुलता है, ये जो बंद करके जो चीज़ हम देखते हैं ना मतलब आगे सारा देखते हैं। जब जीव की जन्म होते हैं जब मरते समय और जन्म होते समय और उस ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है आँख बंद ही रहता है, क्योंकि करण तो नहीं है आपके पास, गोलक नहीं है केवल सूक्ष्म शरीर है, केवल सूक्ष्म शरीर है, परंतु क्या होता है वो जो संस्कार है ना वही आप आँख खोलने के बाद देखें, आँख बंद करके देखना ये मिथ्या ही होगा क्योंकि बंद करके वो संस्कार ये जो है का हम आप ज्ञान माया निद्रा में सोए हुए ज्ञान आत्मा चुक्ष को खोला ही नहीं होता, ज्ञान चुक्ष अलग बात है, सामान्य भी ऐसे जब देखें जो मिथ्या ही होता है, कई छोटा छोटा वस्तु का स्वयं विचार करेंगे तो आपका दिमाग में आता रहेगा क्यों जागृत का हमारा मिथ्या बोल रहा शास्त्र, इससे तो हमारा फल होता है, फल कब तक होता है जब तक अज्ञान क्षेत्र में तब तक इसका कुछ लाभ।
बात धीरे 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 जैसे आपका मन ज्ञान निष्ठ आत्मनिष्ठ ईश्वरनिष्ठ होता रहेगा, जागृति कुछ भी परिवर्तन नहीं रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं रहेगा। अभी इसलिए बोलते हैं हम स्वप्न व जागृत से मिथ्यात्व स्वप्न निद्रा युतो युक्तादो जागृत स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त भवती आहुष को मन में रखते भी हम श्लोक में आ स्वप्न जागरिते स्थाने स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानाभिसमत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः वेदानाभिसमत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। यहाँ पे देखिए फिर एक मनुष्य न शब्द मनुष्य के तो बोलते हैं मनुष्य ईश्वर मणिक मनुष्य मतलब देखिए मनुष्य मन को शासन करने का क्षमता आ गया जिन लोगों को वो इसको देख पाए। एक नंबर में मनुष्य न बोलते हाँ एक नंबर में मनुष्य न बोलता था वहाँ पे अर्थ किया था प्रमाण कुशल, वहाँ पर अर्थ किया प्रमाण कुशल। अब यहाँ पे आकर कोई मनुष्य न शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आप स्वप्न और जागृत को कब एक बोलोगे? सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता, समझ मा रहे आपको? अब इस एक ही शब्द देखिए मनुष्य ने प्रयोग किया शुरू में मनुष्य शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाण कुशल, यहाँ पे आपको कहते हैं मनुष्य मतलब जो मन को शासन करने वाला, जो मन को शासन करने वाला होता है मतलब भाव में अथवा मिथ्या में नहीं लगता विचार पूर्वक निर्णय करता वही प्रमाण कुशल, उस व्यक्ति निश्चय करेगा कि जागृत स्वप्न की कहने वाली है। ऐसे मनुष्य का मतलब जो मन को शासन कर, जो मन को शासन मनुष्य तो बुद्धिमान तो वही है, मनुष्य शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान। मनुष्य मतलब क्या? जो मन को पूरा अपना कंट्रोल में कर मतलब विचार पूर्वक निर्णय करने का सामर्थ्य वो व्यक्ति क्या बोलता है कि स्वप्न जागृत स्थान ही एकम, स्वप्न स्थान और जागृत स्थान में कोई भिन्नता नहीं है। और यहाँ पे मनुष्य शब्द का अर्थ को सावधान से समझना है कि हमको किस जगह पे कौन शब्द को प्रयोग किया। अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर माइंड यू कैन नॉट से दैट जागृत एंड स्वप्न इज एटी। जब विवेक पूर्वक उसका वैराग्य होता जाता है उसके मन को कंट्रोल होता है तब जाकर के समझ में आता है ये भी तो इसे मिथ्या व्यवहार है, कितना व्यक्ति को मैं अपनाया कितना व्यक्ति को कोई मेरा साथ नहीं दिया, जैसे अपने व्यवस्था को साथ है जीवन के अंतिम में व्यक्ति को यही अनुभव में आता है। देखिए कोई गलत ये बात नहीं है कि आपने जागृत कर व्यवहार करते कितना व्यक्ति को मदद किया किसी के अंतिम काल में आपका साथ देने वाला कोई नहीं, मतलब क्या होगा जिस प्रकार स्वप्न में कितना वस्तु आपको प्राप्त था पर तब जगते ही क्या होता है आपको कोई साथ देने वाला नहीं होता, व्यवहार में भी तो ऐसे ही होता है। इसीलिए विचार पूर्वक मन के ऊपर कंट्रोल आने के बाद से अरे जागृत स्वप्न में कोई भिन्नता नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से आपको समझ में आ जाएगा है ना। फिर क्यों भेदा नाम ही समझते ना, बोले भेदा मतलब भाव विद्यमान वस्तुओं का एक ही कैटेगोरी है, विद्यमान वस्तुओं का कैटेगोरी एक ही है, प्रयोजन के समय साथ नहीं देता। कल रात को सपने में देखा था प्रसिद्ध है दृश्यत्व और मिथ्यात्व, दृश्यत्व भी हेतु उसके साथ जोड़ेंगे जड़त्व परिच्छिन्नत्व, जड़त्व परिच्छिन्नत्व दृश्यत्व ये सब जो है ये हेतु प्रसिद्ध हेतु दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण से भेद जो है मिथ्या मान जागृत स्वप्न को बिल्कुल एक ही कैटेगोरी का है ऐसा मनुष्य लोग बोलते हैं, जागृत स्वप्न में कोई भिन्नता नहीं है एक ही कैटेगोरी। यहाँ पे भी समझना है क्योंकि स्वप्न को भी जागृत को छोड़ के नहीं रह सकता इसलिए दोनों एक कैटेगरी के। और दूसरी बात क्या है कि जब तक आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक इसीलिए ये चीज़ आपको इतना स्पष्ट नहीं होता जबकि भगवत गीता का मधुस्मन सरस्वती जो जितना स्पष्ट करके बोला कि जिस आपको पहले अपना मन के ऊपर कंट्रोल चाहिए और मन से जैसे जैसे आप विषय से अपने उठाते रहेंगे धीरे धीरे आपका मन भगवान में स्थिर होगा तब आपको लगेगा कि जगत कैसा है, जगत कैसे मिलता है अपने आप शिफ्ट होगा। स्वप्न जागृत स्थान ही एक आहुर मनुष्य, स्वप्न और जागृत के दोनों स्थान जो है एक ही है। इस प्रकार कौन बोलते हैं मनुष्य न आहुर मनुष्य जो अपने मन को शासन करना सीखा वो ऐसा कह सकते मनुष्य ने बहुवचन फर्स्ट पर्सन प्लुरल में मनुष्य प्रतिवादी होता है अस लगा हुआ सु और जस, जस का अस्पष्ट है
मतलब बहुत मनुष्य ऐसे होंगे, बहुत मनुष्य मतलब जिन लोगों ने अपने ऋषि मुनियों ने जिन लोगों ने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर दिया वो लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? भेदाना वहाँ पे विद्यमान भावान विद्यमान वस्तुओं का एक ही कैटेगोरी है। एक ही कैटेगोरी क्या होता है कि प्रयोजन अनुसार नहीं बनाए। संसार में आप देखिए कोई भी व्यक्ति बाजार से कितना भी महंगा चीज खरीद के लाता है यही सोच के लाता है कि हमारे पास रहेगा हमारे काम आएगा, परंतु स्थिति ऐसा हो सकता है जिस समय आपको उपयुक्त हो या तो आप भूल गए अथवा आपको वस्तु खराब होता है आपका काम आने वाला है। व्यवहारिक जीवन में आप कहीं देखता है ये मनुष्य न मतलब आपको विचार दृष्टि थोड़ा भूल जाए तो आपको पता लगेगा संसार की कोई वस्तु हम आनंद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने बोलते हैं अनित्यम असुखम लोगों अपने अनित हम क्या बुद्धि के अनित्य और असुख में हमने नित्य असुख की बुद्धि का रखा यही तो अनित्य है। ये जगत के लिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अपने बोले अनित्यम असुखम लोगों नवमध्य अनित्यम असुखम लोगों इमाम प्राप्त भगवान आपने इसको बनाया क्यों हमारी इच्छा तो कुछ और थी जी अपने को इमाम प्राप्त भजन समान अनित्यम असुखम श्लोक को प्राप्त करके भगवान की भजन करेगा जगह क्योंकि नित्य और सुखदायी वस्तु तो वही है अनित्यम असुखम और ये क्या है नित्य सुख तो लोग नित्य सुख चाहते हैं पर तो भजन कहता है अनित्य असुख बड़ी विचित्र बात है। ये मनुष्य ये जब आपको विचार में खुल जाएगा तब आपको समझ में आएगा भेदा नाम से प्रसिद्ध नहीं हेतु न प्रसिद्ध हेतु क्या है यहाँ पे दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्न नहीं परिचय प्रसिद्ध हेतु इसके बारे समय में बोला एक लाइन परंतु एक शब्द मतलब मान लो भागने से काम नहीं चलेगा आपको समझ भी नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक शब्दों के स्थान में प्रयोग किया क्यों प्रयोग किया इसको थोड़ा विचार करेंगे तो देखना स्पष्ट और समझ में आ जाएगा कि मन संबंध आज कौन सा बोलेंगे अब पहला वाला फिर लास्ट में पहला वाले में आ जाएंगे। अजमति योगं प्रारादैश्वर्य योगं परगति चक्रवर्ति मत्तां प्राप्यदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म प्राहि मुक्तेक्षणाम ब्रह्म तन्नतो श्री।